हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.4 के सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट की वीडियो में क्वेश्चन 1 to 5 हमने सॉल्व कर लिया था, सो यहाँ क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे, विच इज राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका है 2x + 1 का होल क्यूब, ठीक है, इसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। तो ये जो क्वेश्चन हमारा है किस आइडेंटिटी से कनेक्ट है, तो इसे ध्यान से समझ लेते हैं। तो देखिए, 2x को यदि हम x मान लें और 1 को y मान लें, तो ये हमारा हो जाएगा x + y का होल क्यूब, ठीक है, या a + b का होल क्यूब। x की जगह a, y की जगह b रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब x + y का होल क्यूब इक्वल टू होता क्या है, तो ये आपका 6th आइडेंटिटी है, ठीक है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे x + y का होल क्यूब, तो ये हो जाता है हमारा x³ + 3x² + 3xy² ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हमारा है इस फॉर्मेट में है, x + y का होल क्यूब, तो इसे अब हम एक्सपेंड करेंगे इस तरीके से, क्लियर। सो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू में x का क्यूब, x हमारे पास है 2x, सो 2x का क्यूब प्लस y का क्यूब, y यानी कि 1, सो 1 का क्यूब लिख देंगे, प्लस 3x² y, तो ये हो जाएगा 3 × x हमारे पास है 2x, सो इसका स्क्वायर × y यानी कि 1, प्लस अगेन 3 × 2x, x की जगह 2x एंड y का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर करेंगे, सो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, अब 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 8 एंड x का क्यूब हो जाएगा ये 8x³, क्लियर, प्लस 1 का क्यूब, तो 1 कितना भी इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस अब इस पार्ट में देखिए ये हो गया हमारे पास 3 2x² 3 × 1 3 एंड 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 × 2 4x² प्लस अगेन 3 × 1 का स्क्वायर, 1 ही होगा, 3 × 1 = 3 एंड ये × 2 3 × 2 6x, सीधे यहाँ लिख लेते हैं 6x। नाउ 8x³ + 1 + 3 × 4 ये हो गया 12x² प्लस 6x, ये हमारा आंसर हो गया, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर को हम लिखते हैं, सो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8x³ + 12x² + 6x + 1, तो ये आंसर हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हुआ कि ये जो आपका डिग्री है इसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, देखिए यहाँ 3 2, यहाँ डिग्री 1 एंड यहाँ 1 आ गया, क्लियर। अब इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर, 2a - 3b का होल क्यूब, अब इसे हमें एक्सपेंड करना है। अगेन यहाँ 2a को अगर हम x मान लें, 3b को y मान लें, तो x एंड y का होल क्यूब, और प्लस का साइन ले लेंगे फार्मूला के लिए, सो x + y का होल क्यूब इस फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ ध्यान देना हमें कि जो y है यहाँ पर -3b है, तो जहाँ जहाँ y होगा वहाँ ब्रैकेट्स में माइनस का साइन जरूर लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। अगर आप चाहो तो सेम जैसे x + y का क्यूब मैंने लिया, तो ये इसे आप x - y का क्यूब इस फॉर्मूला के साथ भी कर सकते हैं। तो वैसे में क्या होगा, जब हम माइनस लेंगे तो यहाँ पर भी माइनस लगाना होगा, यहाँ भी माइनस, और ये आपको प्लस लेना होगा, ठीक है। तो दो तरह का फार्मूला लोगे, कन्फ्यूजन होगा, इसे अगर एक फार्मूला से काम निकलता तो उसे ही काम कर लीजिए, जिससे कि हमें ईजी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर x + y का होल क्यूब ले लिया, ओके। अब y जहाँ जहाँ वहाँ माइनस जरूर लगा दीजिए, बस कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से सॉल्व होगा। नाउ सॉल्व करते हैं, तो फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, अब सॉल्व करेंगे x का क्यूब यानी कि 2a का क्यूब प्लस y क्यूब है, तो y की जगह -3b, जब माइनस हो तो माइनस आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो -3b का क्यूब प्लस 3 × x² x हो गया 2a का स्क्वायर एंड y है हमारा -3b प्लस 3 × 2a, x की जगह 2a एंड y की जगह अगेन माइनस का साइन देकर -3b एंड इसका स्क्वायर। अब सॉल्व कर देंगे 2a का क्यूब, 2 को 3 टाइम इंटू किया तो ये हो गया 8a³। अब यहाँ पर देखिए -3 टाइम है, दैट मीन्स 1 माइनस बचेगा, और -×+, सो माइनस का साइन। अब इस 3 को 3 टाइम इंटू करेंगे तो 27 हो गया b³, ठीक है। अब इस पार्ट में एक माइनस है, सो प्लस इंटू माइनस
माइनस नाउ 3 × 3 9 हो गया, तो 9 और b भी लिखेंगे, इसे इसके साथ इंटू कर दिया, तो प्लस माइनस माइनस 3 × 3 इज 9 एंड b, और ये सॉल्व कर लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया a स्क्वायर। अब इस पार्ट में देखिए 3 × 2 प्लस 6a एंड ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा माइनस 2 टाइम है, दैट मीन्स माइनस कैंसिल हो गया और 3 × 3 इज 9, तो ये हो गया हमारे पास 9b। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 8a³ माइनस 27b³ एज इट इज लिख लेंगे, इसे सॉल्व करना है, 9 × 4 इज 36 ए स्क्वायर बी प्लस 6 × 9 इज 54 ए, और ये स्क्वायर है आपका, तो यहाँ बी पे स्क्वायर देंगे होल स्क्वायर में, क्योंकि किसे तो सॉल्व करके हमने लिखा, तो बी स्क्वायर है ना, ए बी स्क्वायर। अब ये हमारा आंसर हो गया सब पार्ट 3 3/2x प्लस 1³। अगेन हमारे पास ये एक्स प्लस वाई के और का होल क्यू के फॉर्मेट में है, सो मैंने लिख लिया फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई का होल क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x² y प्लस 3xy², ठीक है। यहाँ पर x हमारे लिए है 3/2x एंड y इक्वल टू 1, सो वैल्यू पुट कर देंगे, 3/2x का होल क्यू प्लस 1³ प्लस 3 × 3/2x² इंटू 1 प्लस 3 × 3/2x इंटू 1² सॉल्व करेंगे, तो 3/2 का क्यू मतलब 3 का भी क्यू 2 का भी क्यू, सो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखा 27, 2 को 3 टाइम इंटू किया तो 8, सो 27/8x³ प्लस 1 कितना भी इंटू करेंगे 1 आएगा, प्लस ये अब यहाँ देखिए 3 × 1 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 एंड ये देखिए 3/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 3 का भी स्क्वायर है 2 का भी स्क्वायर है, सो 3 × 3 इज 9 2 × 2 इज 4 x² प्लस 1² 1 ही होगा, 3 से 1 को इंटू करेंगे 3 एंड ये वाला पार्ट समझ लीजिए 3 × 3/2 ऐसे है, तो 3 × 3 इज 9 और अपॉन में 2, ये 3 ऊपर में माना जाता है, सो 9/2x। नाउ 27/8x³ एज इट इज रहेगा प्लस 1 प्लस अब अगेन यहाँ 3 × 9/4, 3 ऊपर में है, सो 3 × 9 27/4x² प्लस 9/2x। अब ये आंसर हो गया, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं है, तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, डिग्रीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ मैं डिसेंडिंग में लिख रही हूँ, सो पहले डिग्री 3 देन 2 देन 1 एंड लास्ट में इसे लिख देंगे, सो 27/8x³ प्लस 27/4x² प्लस 9/2x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 4th में है, x माइनस 2/3y का क्यूब, तो अगेन ये हमारा फॉर्मेट में है, किसमें, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इसी फार्मूला पे है, सो पहले फार्मूला लिख लेंगे, x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy², ठीक है, क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, तो अब हमें सॉल्व इस फॉर्मेट में करना है, ठीक है, सो ऐसे लिख लिया हमने, x³ की जगह y की जगह है माइनस 2/3y, सो जहाँ जहाँ y होगा वहाँ हम लिखेंगे माइनस 2/3y, ठीक है, इसका क्यूब प्लस 3 × x² इंटू माइनस 2/3y प्लस 3xy², दैट इज 3 × x इंटू माइनस 2/3y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसमें फोकस कीजिए आप, ये 3 × x² इंटू माइनस 2/3, तो ये 3 को अगर हम इसके साथ लिखे रफ में एक साथ, तो यहाँ देखिए 3 × −2/3 इस तरह से है, सो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मैं यही कैंसिल कर दे रही हूँ, ओके। अब लिख लेंगे हम x³, अब यहाँ पर अगेन देखिए माइनस 3 टाइम में है, दैट मीन्स माइनस आएगा और माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 का क्यू 3 का क्यू, 2 का क्यू होता है 8, 3 का क्यू 27, y³ सॉल्व कर लिया इसे। अब इस पार्ट में देखिए प्लस इंटू माइनस, 1 माइनस है सो प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 तो कैंसिल हो रखा है, बच गया यहाँ पर x² 2 बच गया एंड y, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, 2x² y, सो हो जाएगा माइनस 2x² × y, ये बच गया वो लिख लिया हमने, प्लस अब यहाँ 3 × x, तो ये हम लिख लेंगे 3x एंड यहाँ देखिए इंटू में माइनस 2 टाइम्स में, सो माइनस प्लस कन्वर्ट हो गया एंड 2² 4, 3² 9y, ओके, सो ये एंड 3 से 9 को डिवाइड कर देंगे 3 टाइम्स में, सो ये हमारा हो जाएगा अब x³
माइनस 8/27 वाई क्यू माइनस 2x² वाई एंड प्लस, अब यहाँ क्या बच रहा है हमारे पास, तो 4/3 बच रहा है फ्रैक्शन फॉर्म में, सो पहले लिख लेते हैं 4/3 एंड क्या बच रहा है x इंटू वाई, दैट इज एक्स वाई एंड ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, क्वेश्चन 7 में हमें इवेल्युएट करना है यानी कि इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करनी है, तो आइडेंटिटी का यूज करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने ऐसा सॉल्व किया है बट वहाँ स्क्वायर वाला था, यहाँ हमें क्यूब में, तो इसका कैसे करेंगे सॉल्व फर्स्ट, सो देखते हैं। तो पहले तो 99 को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, तो 100 से छोटा है 99, सो 100 माइनस 1 अगर हम करेंगे तो 99 आ जाएगा, सो हम लिख लेंगे 100 माइनस 1 का क्यूब। अब ये कहाँ सेट करेगा वो सोचना है, तो अगेन 100 को ए मान लेंगे, 1 को बी मान लेंगे, या एक्स एंड, चलिए एक्स वाई से सॉल्व करें, तो एक्स वाई मान लेते हैं, मान लिया कि 100 हमारा एक्स है, ये वाई है और क्यूब है यहाँ पे। तो इस तरह का फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, एक्स प्लस वाई का क्यूब, ये हमने सीखा है, ठीक है। सो एक्स प्लस वाई क्यूब के फॉर्मूला पे इसे सेट करेंगे एंड वाई हमारा यहाँ माइनस वन है, जहाँ वाई लिखेंगे वहाँ माइनस वन जरूर लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि सारे फार्मूलाज लर्न होने चाहिए, अगर फार्मूला लर्न नहीं होंगे तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो एक्स प्लस वाई का क्यूब फार्मूला लिख लेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy², ठीक है। तो क्वेश्चन जो हमारा 99 बना वो 100 माइनस 1 का होल क्यूब, ये बन गया x प्लस वाई का होल क्यूब इस फॉर्मूला पे, तो हमें इसमें सेट करने हैं, ठीक है। सो एक्स क्यूब यानी कि x 100 हो गया, y माइनस 1, सो लिख लेंगे हम 100 का क्यूब प्लस y की जगह माइनस 1 का क्यूब प्लस 3x100 का स्क्वायर इंटू माइनस 1 प्लस 3x100 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेंगे तो 100 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 100 इंटू 100 इंटू 100, तो पहले 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से जब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पे 40 आएगा, और एक और 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 60 होगा। सो यहाँ हम लिख लेंगे 1 पे 60, काउंट करके लिख लेंगे 1 2 3 4 5 60 आ गए। नाउ यहाँ पर है माइनस 3 टाइम्स, सो माइनस कैरी करेंगे तो माइनस और ये प्लस, माइनस हो गया, सो माइनस 1, क्लियर। अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है माइनस का साइन, अब 3 को 1 से इंटू करेंगे 3 ही होगा, ठीक है। और ये 100 का स्क्वायर, 100 इंटू 100, दैट मीन्स 1 पे 40 है ना, ये हमारा क्या बन जाएगा 3 इंटू 1 पे 40, 10,000, 3 इंटू 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000। सो मैं यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर लिखते रही हूँ, 30,000 बन गया। अब अगेन इसमें देखते हैं माइनस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये प्लस 1 बन गया। नाउ 3 इंटू 100 300 इंटू 1 300, सो प्लस 300। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो प्लस को प्लस के साथ ऐड करते हैं, इसके साथ कोई साइन नहीं, दैट मीन्स प्लस में है, सो इसमें 300 को ऐड करके पहले लिख लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 10,300। जब दोनों को ऐड करेंगे इसमें 300, ये 10 लाख आपका है, ठीक है, कॉमा दीजिए, ज़्यादा ईजी होगा। तो 10 लाख में जब 300 ऐड करेंगे तो 10 लाख हो जाएगा, सो 10 लाख बना लेते हैं एंड ये हो गया हमारा 300। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस, तो माइनस कैरी और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 30,001, क्लियर। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 970299। इवेल्युएट करना था यानी कि वैल्यू फाइंड करना, तो ये हमारा वैल्यू हो गया। नाउ सब पार्ट टू इज, सेकेंड है 102 का क्यूब। अगेन एक्सपेंड करने से पहले क्या करेंगे, 102 को लिख लेंगे 100 प्लस 2 का क्यूब। अब फार्मूला सेट करेंगे तो एक्स एंड वाई का क्यूब, सो एक्स प्लस वाई का क्यूब इजकल टू, फार्मूला लिख लिया, ठीक है। अब इस पर सेट कर देंगे तो ये हो गया 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 का स्क्वायर। सबको सॉल्व कीजिए, 100 को 100 इंटू 100 इंटू 100 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख आ जाता है, सो 10 लाख यानी कि 60 आ गया 1 पे, प्लस ये हो गया 8 प्लस 3 इंटू 2 6, सो 6, और 100 को 2 टाइम इंटू किया तो कितना होगा 10,000, 10,000 में 3 को इंटू किया, ठीक है। तो ये हमारा हो 3 इंटू 2 6, 10,000 में 6 को मल्टीप्लाई किया, सो 60,000 प्लस 2 का स्क्वायर
ये बन गया 4, 3 × 100 = 4, 3 × 100 = 300, × 4 = 1200, ठीक है। सबको ऐड कर दीजिए तो हमारा आंसर हो जाएगा 10,61,208, क्लियर। नाउ सब पार्ट थ्री में है 998 का क्यूब, तो 998 के बाद जीरो वाली नंबर्स कौन सा आते हैं, 1000, सो 1000 में से जब हम 2 माइनस करेंगे 998 आएगा, सो इस तरह से लिख लिया एंड इसका होल क्यूब। अगेन फार्मूला हमारा क्या बना, x प्लस वाई का क्यूब, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy². अब यहाँ ध्यान दीजिए, x तो हमारा 1000 है बट y क्या है, -2, तो जहाँ भी y लिखेंगे वहाँ माइनस का साइन जरूर देना है, ठीक है। सो 1000 का क्यूब प्लस -2 का क्यूब प्लस 3 × 1000² × -2 प्लस 3 × 1000 × -2 का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू, अब 1000 को 3 टाइम इंटू करना है, 1000 × 1000 × 1000, तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 30 है, 30 का ट्रिपल करना है, दैट मीन्स 3 × 3 = 9, 1 पे 90 आ जाएगा, यानी कि 100 करोड़ आ जाएगा। तो 90 काउंट करके लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90 आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, माइनस 3 टाइम में है, सो 1 माइनस कैरी करेंगे और यहाँ माइनस 1 आ जाएगा, और 2 × 2 × 2 = 8, माइनस 8 हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये 8 लिख दिया। देन इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6 ही होगा। नाउ 1000 को 2 टाइम्स इंटू करना है, दैट इज 30 है, तो कितना हो जाएंगे, 3 × 2 = 60, है ना, 30 का डबल करेंगे तो 60 आ जाएगा। सो यहाँ हम 6 पे 60 बना देंगे, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, -2 × -2 प्लस बन गया, सारा प्लस है तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस तो खत्म हो गया, अब इंटू कीजिए, 2 × 2 = 4 आ गया, 3 × 1000 3000 × 4 = 12000, सो 12000। अब सॉल्व करेंगे, अब ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 करोड़ है ना, तो 100 करोड़ 12000 हो गया। अब माइनस 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 कैरी कर लेंगे एंड ये हमारा हो जाएगा 60 लाख है, तो 60 लाख में 8 ऐड करेंगे तो 60 लाख 8, सो यहाँ हम लिख लेंगे 008, है ना, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, 60 लाख 8। नाउ माइनस कर दीजिए तो आंसर हमारा आ जाएगा 99,40,11,992, ये आंसर हो गया, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 8 इज, यहाँ हमें फैक्टराइज करना है 8a³ + b³ + 12a²b + 6ab² ठीक है। तो इसे आप देखिए, देखकर ही आपको पता चलेगा किस फॉर्मूला से ये रिलेट करता है। तो देखिए a³ + b³ + यहाँ पे देखिए a²b ab² तो अभी हमने कई क्वेश्चन सॉल्व किया है क्यूब वाले में, जैसे देख लेते हैं, देखिए x³ + y³ + यहाँ पे देखिए x²y xy², यही चीज़ हमें यहाँ वेरिएबल्स में मिल रहे हैं, ठीक है। सो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा फॉर्मूला x + y³ पे है एंड ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 12 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3a²b 3ab² फॉर्मूला बन गया। तो समझ में आ गया ना आपको कि किस फॉर्मूला से रिलेट कर रहा है। सो इसे हम एक फार्मूला पहले लिख लेते हैं अपनी किस पे है, तो वो हो गया हमारा a²b² चलिए x जो अभी आपने यहाँ देखा ना x³ + y³ + 3x, ऐसे भी लिख सकते हो या a करके लिख लो, बिकॉज इसमें ए बी ही लिखा हुआ है तो वो ज़्यादा ईजी होगा, तो मैं वही लिख देती हूँ यहाँ। तो ये क्वेश्चन हमारा किस फॉर्मेट में है, a³ + b³ + 3a²b + 3ab² इस फॉर्मेट में है एंड ये किसका है फॉर्मूला, तो ये हमारा कहता है a + b³। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये इस फॉर्मेट में है, ठीक है, तो आंसर हमें इस तरीके से देना है, ओके। तो यहाँ हम समझ लेते हैं, अब a प्लस बी यानी a निकालना है इसमें से हमें और b का निकालना है, तभी तो हम उसका क्यू कर सकते हैं, कैसे करेंगे। तो ये जो 8a³ है, जब आपने यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व किया, यहाँ पर ऊपर की क्वेश्चन में देखिए, ये जो x³ है तो 1000 का क्यूब, ओके। तो अभी 1000 क्यूब भूल जाइए, आप इसे देखिए, ये हमारा 100 करोड़ आया, तो 100 करोड़ किसका क्यूब करने पे आया है, 1000 का क्यूब करने पे आया है, ठीक है, सॉरी। सो
यहाँ पर 8a क्यूब, तो 8 कहाँ से आया ये हमें समझना है। तो 8 किसी नंबर को क्यूब किया गया, a का क्यूब है, तो ये 8 भी तो किसी का क्यूब करके ही आया है, तो 8 किसका क्यूब है हमें ये पहले फाइंड करना होता है। सो 8 आप जानते हो कि 2 को हम 3 टाइम इंटू करते हैं तो 8 आता है, दैट मीन्स 2 का क्यूब 8 है। सो 8 की जगह हम लिख लेंगे 2 a एंड इसका क्यूब। अब देखिए 2 को 3 टाइम इंटू करेंगे 8 आ गया a क्यूब, क्लियर। अब प्लस बी क्यूब, यहाँ कुछ नहीं करना एज इट इज रहने देंगे बी का क्यूब, ठीक है। प्लस अब ये है 3, ये ए स्क्वायर बी है, ओके। तो 3 भी ये फार्मूला में आता है तो पहले हम 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर आप सोचिए कि 3 को हम किससे इंटू करेंगे कि 12 आ जाएगा, तो 3 × 4 = 12 होता है, ठीक है। सो 3 × 4, अच्छा हाँ यहाँ ध्यान दीजिए ए का स्क्वायर है, ठीक है। तो ए हमारा यहाँ पे 2a है, सो 2a का स्क्वायर, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, सो 3 × 4 = 12 सॉल्व करने पे, ओके। देन b है, तो b हमारे पास तो एज इट इज b ही रहेगा, सो इंटू बी लिख लेंगे प्लस 3। अब a यानी कि 2a, अब b हमारे पास क्या है b ही है, सो b का स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। नाउ आंसर निकाल लीजिए, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब a हमारे पास आ गया 2a, b हमारे पास b है, सो लिख लेंगे 2a प्लस बी का होल क्यूब, ये आंसर हो गया, ठीक है। 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a² b प्लस 6ab² तो क्लियर है किस फार्मूला पे है, तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। इसके जगह आप x² प्लस y² प्लस 3x² y प्लस 3xy² ये भी लिख सकते हो, इक्वल टू, तो ये क्या होता है किसका है फार्मूला, तो ये है a प्लस बी का होल क्यूब, ओके। अब इस फॉर्मेट में इसे हमें लिखना है, 8a क्यूब, अगेन आप समझ गए 8 2 का क्यूब होता है, सो 2a का क्यूब प्लस, अब ये यहाँ पे हमारे पास है बी क्यूब, तो बी एज इट इज रहेगा, और बी हमारे पास यहाँ देखिए माइनस बी है, सो माइनस बी का क्यूब लेंगे प्लस फार्मूला है 3 × a² सो पहले 3 लिखेंगे एंड a हमारे पास है 2a, सो 2a का स्क्वायर, अब देखिए 2 × 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होता है, 3 × 4 = 12 सो 12 आ ही गया, एंड इंटू में b हमारे पास माइनस b है प्लस अगेन 3a हो गया 2a इंटू बी में लिख देंगे माइनस बी इक्वल टू, तो क्या बन जाएगा आंसर, a प्लस बी का होल क्यूब आना चाहिए, a हो गया 2a प्लस बी हमारे पास है माइनस बी, सो ब्रैकेट में पहले माइनस बी लिखेंगे एंड रेक्टेंगुलर ब्रैकेट देकर होल क्यूब कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में इसका आंसर फाइनल हो जाएगा 2a प्लस इंटू माइनस माइनस बी का होल क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a², अगेन हमारा ये सेम फार्मूला पे, सो लिख लिया फार्मूला मैंने, a³ प्लस bq प्लस 3a² b प्लस 3ab² इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब, क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मेट में आंसर ऐसे देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 27 का जब फैक्टर हम निकालते हैं तो क्या होता है 3 9 जार 3 3 जार एंड 3 1 जार, तो 3 3 आ रहा है, दैट मीन्स 3 × 3 × 3 = 27, तो 3 का क्यूब लिख लेंगे 27 की प्लेस पे, देन ये प्लस का साइन फार्मूला का, अब बी तो ए पार्ट हो गया हमारे पास बी का क्यूब, तो बी हमारे पास क्या गिवन है माइनस 125, तो सबसे पहले सोचिए 125 किसका क्यूब है, जब 125 का फैक्टर निकालोगे तो 5 × 5 × 5 आएगा, 3 × 5 आता है, यानी कि 5 का क्यूब 125 होता है, और ये माइनस भी है, सो माइनस 5 एंड ये a क्यूब, तो ये b निकल गया प्लस 3a² b, तो 3 × अब ये a हम ये वाला लिखेंगे, a निकल गया 3 और b की जगह पे माइनस 5a, सो 3 का स्क्वायर × -5a, ये आपका a है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना a, देन प्लस 3 × a × b का स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस 5a का स्क्वायर, क्लियर, इक्वल टू क्या होगा a प्लस b का क्यूब, a यानी कि 3 प्लस b हमारे पास है माइनस 5a इसका क्यूब, एंड ये हो जाएगा 3 × −−5a का होल क्यूब, ये आंसर हो गया, ओके। सब पार्ट 4th इज 64a³ माइनस 27bq माइनस 144a² b
प्लस 108 ए बी स्क्वायर। क्लियर है फॉर्मूला हमारा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है, तो आंसर हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब होगा। ठीक है, नाउ ए की जगह पे अब ये क्यूब में है, सो 64 किसका क्यूब है, तो 4 का क्यूब 64 होता है, 4 इंटू 4 16 इंटू 4 इज 64, सो 4 ए का क्यूब प्लस, अब ब्रैकेट्स बी जो है माइनस में है, सो ब्रैकेट्स के अंदर माइनस लेंगे एंड 27 3 का क्यूब होता है, सो माइनस 3 बी का क्यूब प्लस 3 इंटू, अब ए निकल गया 4 ए, बी है माइनस 3 बी, सो ए के प्लेस पे 4 ए का स्क्वायर एंड बी हो गया माइनस 3 बी प्लस 3 इंटू 4 ए इंटू माइनस 3 बी का होल स्क्वायर। अब जब इस लाइन को आप सॉल्व करोगे तो सेम ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, सो इसे तो अब हमें सॉल्व करना नहीं है, तो आंसर हमारा इस पार्ट में आएगा, तो ए हो गया 4 ए, बी हो गया माइनस 3 बी, सो प्लस एंड ब्रैकेट में माइनस 3 बी का होल क्यूब। नाउ 4 ए प्लस इंटू माइनस माइनस 3 बी का क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ इट्स फिफ्थ पार्ट इज 27 पी क्यू माइनस 1 अपॉन 216 माइनस 9 बाई 2 पी स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 पी। अब ये क्वेश्चन भी हमारा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब, इस फार्मूला पे। ठीक है, सो यहाँ ए यानी कि 27 किसका क्यूब है वो लिखेंगे ए क्यूब में, सो ये 27 तो आपको पता है कि 3 का क्यूब होता है, सो 3 पी का क्यूब। अब देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे 27 पी क्यूब आ गया। नेक्स्ट बी क्यूब, बी के लिए इस नंबर को लेंगे सेकेंड वाले को, सो ये माइनस साइन में है, तो सबसे पहले ब्रैकेट्स में माइनस देंगे। नाउ 1 अपॉन 216 ये किसका क्यूब है, तो 216 6 का क्यूब होता है। ठीक है, एंड 1 का क्यूब 1 ही होगा, सो 1 अपॉन 6 का क्यूब, एंड ये माइनस जरूर देना है। तो देखिए ये आपको याद रखने होंगे, ये पहले भी मैंने बताया था पिछली क्लासेज में कि कम से कम 1 से 30 तक का क्यूब आपको याद रखना है एंड 1 से 25 तक का स्क्वायर जरूर याद रखना है। ठीक है, जितना याद रखोगे तो ईजी होगा। सो ये हो गया हमारे पास, एंड इसके बाद इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, इसके बाद इस सबको आपको नहीं देखना है। ठीक है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सेट करोगे अपने आप ही आंसर आ जाता है। सो इतना आप समझ गए, देन प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, ए हमारे पास हो गया 3 पी, बी हो गया माइनस 1 बाई 6, सो 3 इंटू 3 पी का स्क्वायर इंटू माइनस 1 अपॉन 6। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं ये आता है कि नहीं, तो देखिए 3 इंटू 3 पी का स्क्वायर, तो 3 पी का स्क्वायर ये हो गया 9, 3 इंटू 9 इंटू माइनस 1 अपॉन 6। ठीक है, तो 3 से 6 डिवाइड किए 2 आ गया, और ऊपर में अब 9 है, 3 इंटू 3 9, सो 9 बाई 2 पी स्क्वायर, देखिए 9 बाई 2 पी स्क्वायर। क्लियर, अब नेक्स्ट है 3 ए बी स्क्वायर, अगेन 3 प्लस 3 इंटू 3 पी इंटू माइनस 1 बाई 6 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, सो 3 से 36 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12, अगेन 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4, तो 1 अपॉन 4 बच रहा है, सो 1 अपॉन 4 एंड ये पी, तो देखिए 1 बाई 4 पी आ गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं। नाउ आगे बढ़ते हैं, तो इस लाइन को सॉल्व करने पे तो यही वाला पार्ट मिलेगा हमें, सो आंसर हमारा इस फॉर्म में आएगा। तो अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नाउ ए प्लस बी का होल क्यूब, ए हमारे पास हो गया 3 पी प्लस बी हो माइनस 1 अपॉन 6, माइनस में हमेशा आपको ध्यान देना है, इसका होल क्यूब इज इक्वल टू 3 पी प्लस इंटू माइनस माइनस 1 बाई 6 का होल क्यूब, ये आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उसे देखकर आपको पता चल गया होगा कि फार्मूला जितने भी है उसे हमें याद रखना पड़ेगा, जब तक फार्मूला याद नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, सो फार्मूला जरूर लर्न करना। एंड इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 9 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।